वेलकम टू खन्ना न्यूज़ लाइव। समराला दे नज़दीक चंडीगढ़ लुधियाना नैशनल हाईवे ते स्थित कुलाल टोल प्लाजा ते किसान जथेबंदियां भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुरा भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल आम आदमी पार्टी लोक इंसाफ पार्टी अते समाजिक जथेबंदियां वल्लों धरना लगाया गया। इस धरने विच इलाके दे सैकड़े किसान शामिल सन। किसान जथेबंदियां वल्लों कुलाल टोल प्लाजा ते बिलिंग पूर्ण तौर ते बंद करवा दित्ती गई है। इस दौरान वाहनों की आवाजाई विच कोई दिक्कत ना आवे तां टोल दे दोवों साइडां ते एक एक लाइन खोली गई है अते बिना पर्ची तों वाहनों की आवाजाई जारी है। कुलाल टोल प्लाजा ते धरना देण पहुंचे किसानां वल्लों मोदी सरकार खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इस मौके भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुरा दे जिला प्रधान बलबीर सिंह खीरनिया ने कहा कि जेड़े तीन खेती कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं उन्हां नूं रद्द करवाउण लई किसानां दा रोस होर भी वध गया है। किसान जथेबंदियां हर हाल विच ए कानून बंद करवा के रहणगियां। उन्हां ए भी कहा कि किसान 1 अक्तूबर तो रेल पटड़ियां ते डटे होए हन। जेकर केंद्र सरकार ने यह कानून रद्द ना किते तां यह प्रदर्शन आउण वाले दिनां विच होर भी तेज किते जाणगे अते केंद्र सरकार दे अधीन पैंदे संस्थावां दा भी घराओ किता जाएगा। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कुलाल टोल प्लाजा दे मैनेजर ने दस्या कि किसान जथेबंदियां दे प्रदर्शन नाल टोल प्लाजा दा करीब 3.5 लाख दा नुकसान हो गया है। इस टोल प्लाजा तो हर रोज 3800 तो 4000 दे करीब वाहन गुजरते हैं। मैं हरदीप सिंह ग्यासपुरा प्रधान ब्लाक मछवाड़ा साहब असी जिहड़ा आह टोल प्लाजा अज ब्लॉक करिया वा ये केंद्र सरकार दीआं जो नीतियां ने जो इन्होंने बिल पास किया एक नवा कानून बनाया खेती आर्डिनेंस ये रोस वजो असी बंद करिया। जो साडा धरना वा ये अणमिथे समय लई आ जद तक जब सरकार साडियां मंगा नहीं मानती उदों तक ये निर्विघन जारी रहूगा। तो बाकी साडे रेलवे ट्रैक असी पूरी तरह जाम किए हुए हैं तो बाकी जो पिंडां दे विच साडे भाईचारा चाहे वह किसी भी वर्ग का वो साडे नाल पूर्ण तौर पर सानू पूरा सहयोग दे रहे हैं। अज इस धरने के विच साढ़े घट तो उम्र के नौजवान सारे ने वध तो वध यानी कि शमूलीयत की असी सारे का धन्यवाद करते हैं। गगनदीप शर्मा चेयरमैन समराला सोशल वैलफेयर सोसाइटी तो अज इतने किसान यूनियन जो 31 यूनियन इकट्ठिया हुई सीगियां जिन्होंने ये काले बिलों के खिलाफ जो मोर्चा बिढ़िया होया वो सहयोग देने दे असी समाज सेवी संस्था के तौर पर अज इन्होंने शामिल होए हैं। कल भी इन्हों का जो रेल रोको धरना चलता पाया समराले स्टेशन से उत्थे भी असी इन्हों शामिल होए थी। सो बतौर संस्था बतौर एक समाज के एक हिस्सा होने के तौर पर असी पुरजोर इन्हों से जोड़ा संघर्ष है तो समर्थन करते हैं तो सरकार तो मंग करते हैं कि छेती तो छेती ये जोड़े काले बिल लैके आ रही है जै के आई है उन्होंने वह वापस लवे तो किसानों उन्होंने बनते हक ने जोड़े वह दिते जा। रोहित कुमार है। रोहित जी आप यहाँ पे कौन सी कंपनी के अंदर हैं? हमारी कंपनी मैसर्स नूर मोहम्मद के नाम से है जो बेसिकली जोधपुर की कंपनी है। कहाँ पे टोल प्लाजा है? ये गुलाल टोल प्लाजा है नेशनल हाईवे। हाँ जी। आज क्या हुआ किसी जथेबंदी ने यहाँ पे धरना लगाया आवाजाही में विघ्न डालने की कोशिश की है? ये पंजाब के जो किसान संगठन है ये किसान संगठनों का बुलाया हुआ धरना है और इनका गुस्सा केंद्र सरकार के खिलाफ है जो कृषि अध्यादेश में 3 काले बिल बनाए हैं उन बिलों के विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। और इस धरना प्रदर्शन से आज जो हमारा पर डे का कलेक्शन होता था वो कलेक्शन इन्होंने टोल फ्री करा दिया। जो किसान नेता यहाँ आए थे वो धरने पर बैठे टोल फ्री करा दिया। बाकी ट्रैफिक की आवाजाही बराबर चालू है। कितना लॉस होगा पर डे के हिसाब से? पर डे की हमारी लगभग यहाँ से 3800 से लेकर 4000 तक गाड़ियाँ गुजरती हैं और उनका कलेक्शन लगभग आप 3.5 लाख रुपए मान के चले क्योंकि कलेक्शन तो यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकता है कि पीछे अभी बराबर में एक रास्ता डाइवर्जन टोल के बराबर में बिल्कुल जो गुलाल गांव के अंदर से होकर निकलता है उसकी वजह से पर डे का काफ़ी लॉस पहले ही NHAI को और कंपनी को है। तो उसकी वजह से टोटल राउंड अबाउट जो अपना कलेक्शन है 3.5 लाख रुपये के लगभग है जो अब बिल्कुल फ्री है इस टाइम। हमारे कंपनी के लगभग 109 लोग यहाँ पे काम करते हैं पर डे। और ये जत्थेबंदियां अनमिथे समय के लिए धरना लगाएंगी तो क्या नुकसान होगा आपके?
अभी जो किसान नेता आए थे उन्होंने बोला था कि अभी हमारा जो ये प्रदर्शन है 24 घंटे का है और बाकी अगर ये आगे बढ़ाया जाएगा तो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। तो अभी हमारे पास में इन्फॉर्मेशन केवल 24 घंटे तक की है और अगर ये अनिश्चितकालीन होता है तो उसके लिए भी एनएचआई के लिए सूचना दे दी जाएगी। कोई प्रशासन को खबर की इसकी या फिर उच्च अधिकारी को? हाँ, उच्च अधिकारियों को हमने अपनी तरफ से सूचना दे दी है ईमेल के माध्यम से। बाकी प्रशासन मौके पर मौजूद है, उनको सब कुछ देखने में कोई परेशानी है ही नहीं। हाँ जी, की नाम है? मैं तजेंद्र सिंह राज्यवाल। अज जिहड़ा नैशनल हाईवे 5 दे पिंड कलाल दे लागे टोल प्लाजा, वो असी समूह किसान जथेबंदियों की कॉल से उत्थे धरना लाया। ये धरना असी दस देना चाहते हैं केंद्र की सरकार नूं भी जे वो साड़ी इस मां धरती से साड़ी खेती नूं साडे खेतां नूं खोह के कारपोरेटरां नूं देना चाहुंदी है। अग्गे ही उन्हें साडे पंजाब का बहुत नुकसान कर दिता है। उन्होंने कारपोरेट घरानियां नूं 7 करोड़ टैक्स लैके साडियां ही सड़कां बनाईयां गईयां, उत्थे बिना गल तो एक नादरशाही ने यह अपने रिश्तेदारां नूं टोल प्लाजे खोल के दे दिते ने जिथे लखां दी इक दिहाड़ी दी कलैक्शन है। असी इत्थे धरना इसलिए लाया, असी कारपोरेट घरानियां नूं ते मोदी नूं दस देना चाहुंदे आ भी तू साडी खेती तां छड्ड, असी तेरे कारपोरेटां नूं इत्थों भजा के दम लवांगे। जिहड़े एक जजिए दे तौर ते टोल प्लाजा दे उत्ते सत्तों टैक्स लिया जांदा, इह सत्तों बर्दाश्त नहीं होणा। अज असी टोल प्लाजे ते बैठे हाँ, कल नूं असी हो सकदा इहनां दे रिलायंस दे पंपां ते जाइए, इहनां दे जिहड़े वड्डे वड्डे मॉल ने उत्थे जाइए। तुहानूं मैं प्रेस दे राहीं दस देना चाहुंदा पंजाब दे वासियां नूं, इस कारपोरेट घराणियां ने अज तुसीं बाजार दे विच दालां दा भाव देख लो, अज तुसीं जाके तेलां दा भाव देख लो, बहुत ज़्यादा वध चुकिया, 200-300 गुणा वध चुकिया। ये जिहड़ा मोदी सरकार ने काला कानून लियांदा जिहदे विच उहने स्टॉक लिमिट ऑन असेंशियल कमोडिटीज़ खत्म कर दित्ती, जिहड़ी कि लोकां दे लई बहुत चंगी हुंदी सी क्योंकि कोई भी उहनूं स्टॉक नूं होल्ड करके महंगाई नहीं सी क्रिएट कर सकदा। अज कारपोरेट घरानियां ने दालां खरीद लईआं, तेल खरीद ले, ते पहला समें दे विच सेंटर दीआं सरकारां समें समें ते साडी उपज दे वाजब भाव नहीं सी मिलते। साडे मूंगी दा जिद्दां भाव 6200 MSP है, वो साडी मूंगी 2500-2600 नूं नहीं पुछी जांदी। सूरजमुखी जो कि एक तेल है वो 5000 दे करीब है, वो मंडियां दे विच 3200-2800 नहीं पुछी जांदी। इन्हां कारपोरेट घराणियां ने साडे तेल साडे दालां स्टोर कर लिया ने, वो स्टोर करन तों बाद अज वो मन मर्जी दे भाव बेच रहीआं ने। असी दस देना चाहते हैं पंजाब के समुचे हर वर्ग को, जे किसानी ना रही तो हर वर्ग ने डुब जाना है। किसानी दे विच पंजाब दे विच सिर्फ 2 फसलां ही परचेज होंदियां ने MSP ते, कणक ते झोना। जे ये भी हट गया पंजाब नूं 70,000 करोड़ रुपया किसानों नूं मिला, पंजाब की आमदन है, ये सुंगड़ के सानू उम्मीद है ये 25-30,000 ही रह जानी है। ये 40,000 करोड़ किदा जाना है, किसानों का ही नहीं जाना, यह समूह मार्केट का जाना, पंजाब का मंदा हाल हो जाना है। इस करके आओ मैं अपील करदा समूह पंजाबियों नूं, आपां कट्ठे हो के किसान जथेबंदियों का साथ दईए तां जो मोदी दे काले कानून रद्द करा सकीए ते पंजाब नूं खुशहाल बना सकीए। समराला तो भूषण बंसल की खास रिपोर्ट।